ये पार्ट 11, पार्ट 11 में क्या है, ये ए ए टू ए थ्री ए फोर समांतर श्रेणी है या नहीं है ज्ञात करने के लिए अंतर ज्ञात कर लीजिए, यानी ए टू में से ए वन, यानी ये यानी कि ए स्क्वायर में से ए घटा दीजिए। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, ए थ्री माइनस ए टू यानी ए का क्यूब में से ए का स्क्वायर घटा दीजिए। तीसरा क्या है, ए फोर में से ए थ्री यानी ए का पावर फोर में से ए का पावर थ्री घटा दीजिए। अब देखिए ये तो इसमें कोई फिगर्स या इसमें कोई अंक तो दिए हुए नहीं है, इसलिए यही इसके आंसर हो गए। तो डिफरेंस जो हो गया वो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ये सभी समान नहीं हो सकते किसी हालत के अंदर। जब ये समान नहीं है, इक्वल डिफरेंस नहीं है, तो सामान्य अंतर डी क्या होगा, नहीं होगा, और ए पी भी नहीं है ये, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, अलग अलग डिफरेंस है, इसलिए ए पी नहीं है, और ए पी नहीं है तो आपको डी भी ज्ञात नहीं करना है, और आपको अगले टर्म्स का भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। अब देखिए आप पार्ट 12, पार्ट 12 में ए ए टू ए थ्री और ए फोर डिफरेंस निकालिए रूट एट में से, ठीक है, ए टू में से रूट टू निकालिए, यानी ये आपका जो है ए टू में से ए वन निकालिए, इसमें से ये घटाना है, रूट एट में से रूट टू घटाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, पहले रूट एट जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, इसको जो है आप दो दो चार दो आठ ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें से आप बता दीजिए रूट टू, यानी ये जो दो दो है ये तो एक पूर्ण वर्ग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा आपका, और टू रूट टू हो जाएगा, ये वाली संख्या है टू रूट टू हो जाएगा, और इसमें से रूट टू निकालना है तो बचेगा कितना, टू रूट टू में से वन रूट टू निकाल दिया तो कितना बचा, रूट टू बच गया। यहां रूट टू के दो हैं, रूट टू को दो से गुणा किया है, यह रूट टू को एक से गुणा किया है तो बच गया कितना, रूट टू, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ये आइए ए थ्री में से ए टू घटाइए, यानी रूट एटीन में से रूट घटाइए रूट एट, ठीक है। अब आप रूट एटीन को कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री छ हो गया, और छत्तीस अठारह, ठीक है, टू इंटू थ्री इंटू थ्री हो गया, तो रूट अठारह को तो ऐसे लिख सकते हैं, और रूट आठ को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, दो दो चार, चार दो आठ, ठीक है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। अब देखिए ये रूट, इसमें से इसको थ्री को बाहर निकाल लीजिए, ये पूर्ण वर्ग हो गया और इसमें पूर्ण वर्ग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये थ्री पूर्ण वर्ग हो गया तो थ्री तो आ जाएगा बाहर और ये रूट टू रह जाएगा अंदर, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, और ये माइनस का निशान लगाया, इसको कैसे लिखेंगे, ये टू का पूर्ण वर्ग हो गया तो टू को लग दीजिए अंदर और फिर टू, यानी रूट थ्री के तीन, तीन रूट थ्री में से दो रूट थ्री घटाएंगे तो एक रूट बढ़ जाएगा, एक रूट बच जाएगा, ठीक है, रूट टू हो गया। इसी तरह से आप जो है थर्ड को ले लीजिए कि यानी ए फोर में से ए थ्री घटाएंगे तो ए, ये क्या है, रूट बत्तीस है ये, और इसमें से घटाइए रूट अठारह, यानी आप रूट बत्तीस को कैसे लिखेंगे, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, ओके, दो टू टू जा फोर एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन एट हो गया, और यहां लिखेंगे एटीन का आप लिखेंगे, ये जो लिखा ना आपने टू इंटू थ्री इंटू थ्री, दोनों का लिख दिया। अब आपको देखिए यहां पर क्या बन रहा है, एक तो टू वर्ग ये वर्ग का पूर्ण वर्ग बन रहा है और एक पूर्ण वर्ग ये बन रहा है, यानी इसको आप जो है फोर इंटू फोर भी कर सकते हैं, टू इंटू फोर इंटू फोर, तो बाहर करें इसको बाहर निकालेंगे तो फोर तो हो जाएगा पूरा, फोर तो कंप्लीट हो जाएगा, फोर कंप्लीट हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, फोर रूट टू, और माइनस यहां क्या होगा, थ्री तो हो गया बाहर और थ्री रूट टू, तो फोर रूट टू में से थ्री रूट घटाएंगे तो एक रूट टू बचाएगा, यानी टू रूट टू रूट टू, तीनों का डिफरेंस रूट टू आया
तो आपकी डी की वैल्यू क्या होगी, रूट टू, डी इज इक्वल टू रूट टू, ये तो आपका आंसर हो गया। और क्योंकि सार्वभौम अंतर है, अंतर जो समान है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस होने की वजह से ये एक एपी है, ये भी आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको तीन और पद लिखने हैं। तीन और पद कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब आपका कॉमन डिफरेंस रूट टू आया, तो इनमें सब में रूट टू जोड़ दीजिए, यानी ए फाइव निकालना है आपको, ए सिक्स निकालना है और ए सेवन निकालना है, ठीक है। तो इनमें ये जो आपका ए फोर है यानी रूट 32 है, इसके अंदर आप जोड़ दीजिए रूट टू, तो कैसे होगा। अब देखिए रूट 32 को आप कैसे लिखेंगे, आपने अभी किया था 2 × 2 × 2, 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, प्लस रूट टू, यानी ये जो है आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 आ गया आपका बाहर, रूट में रह गया 2 प्लस रूट टू, यानी 4 रूट टू प्लस रूट टू, यानी 5 रूट टू हो गया। और 5 रूट टू को आप खाली रूट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 5 का जो है आप वर्क करो, तो 5 को या आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 5, इसको बाहर वाले को अंदर ले आए तो 5 × 5 कर दिया यानी 2 कर दिया, यानी ये हो जाएगा आपका रूट 25 × 20 50, तो आपका ये क्या आ जाएगा, रूट 50 आ जाएगा, ओके। अब रूट 50 में, ये आपका रूट 50 है, इसमें जोड़ना है आपको रूट टू, ए सिक्स ज्ञात करना है, अगला स्टेप, अगली जो पद है ज्ञात करने के लिए डी यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। रूट 50 के अगर आप भाग करोगे तो क्या होंगे, ये दे रखे ना अपने, ये हो गया, इसको अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो 5 √2, अभी किया था ना अपने, ये रूट 50 है, इसको आप 5 √2 भी लिख सकते हो प्लस रूट टू, तो कितना हो गया, 5 √2 में 1 √2 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 6 √2, या आप लिखिए कि 6 × 6 × 2, ये पूरे रूट में आ गया, तो कितना हो गया रूट का 36 × 2 = 72, तो ये आपका ए सिक्स आ गया रूट का 72। अब ए सेवन लाइए, यानी ये रूट 72 है, रूट 72 में जोड़िए रूट टू। अब रूट 72 को आपने लिखा था ये क्या, 6 √2, इसी से तो रूट 72 बनाया ना, तो इसमें जोड़ दीजिए आप रूट टू, यानी 6 √2 में रूट टू जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपका 7 √2 हो जाएगा, 6 और रूट तो ये है और एक और जोड़ दिया 7 √2। अब 7 √2 को आप कैसे लिखेंगे कि इसको 7 को √2 के अंदर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 7 × 7 और ये आ गया आपका 2, ठीक है। आप इसको हल कीजिए तो ये रूट के अंदर कितना आएगा, 7 × 7 = 49 और 2 से गुणा कीजिए तो 49 × 2 यानी 98, तो ये हो गया रूट 98, ए 7 हो गया रूट 98, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।